नैनपुर से बालाघाट के बीच में बन रहे रेल लाइन का जिसमें आश्चर्यजनक चोरी हुई है, जिसकी रेलवे पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मामले की जानकारी आते ही नैनपुर, बिलासपुर, नागपुर और छिंदवाड़ा जोन लेवल पर क्राइम ब्रांच की टीम ने फौरन कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक इस्पात इंडिया फैक्ट्री का मैनेजर भी है, जिसे जेल पहुंचा दिया गया है, जिसमें चोरी का मास्टरमाइंड विनोद मराठा, जो कि राजनांदगांव का निवासी है, गिरफ्त में आने के बाद आरपीएफ ने पटरियों की बड़ी खेप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बरामद की है। आरपीएफ ने दो बड़ी इस्पात कंपनियों से लोहे की पटरियां जब्त की है। इस केस में मास्टरमाइंड विनोद मराठा समेत 2 दर्जन से अधिक मजदूरों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि 1 दर्जन से अधिक मजदूरों को हिरासत में लिया जा चुका है। यह सभी मजदूर उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से लाए गए थे। नैनपुर बालाघाट ब्रॉडगेज के निर्माण के लिए समनापुर लामता के बीच बिछाने के लिए लाई गई पटरियां कुछ महीने पहले चोरी हो गई थी। जब रेलवे को इसकी भनक लगी तो जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र की आरपीएफ क्राइम ब्रांच की टीम ने तहकीकात शुरू की तो एक एक कर परतें खुलने लगी। रायपुर से मास्टरमाइंड के हत्थे चढ़ने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यह गैंग रेल लाइन को हाइड्रोलिक मशीन से लोड करते थे। यह गैंग रेल पटरियों को ट्रकों के माध्यम से बालाघाट से बैहर के रास्ते छत्तीसगढ़ पहुंचाया गया था। यह देखिए, दिनांक 22 तारीख को कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने, जो अभी नैनपुर से लेकर समनापुर के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहा है, उसने बालाघाट चौकी को यह सूचना दिया कि समनापुर से लामटा के बीच में रेल पातें जो अप्रैल से लेके जून 2019 में अन्य जगह जगह स्थानों पर डंप की गई थी जी, उसमें से कुछ कम है। जब हमने 2 दिन असेसमेंट किया, अधिकारियों का यहाँ दौरा चला, तो पता लगा कि तकरीबन 679 पीसेस या लगभग 4 किलोमीटर के लगभग रेल पटरियाँ हमारी गायब हैं। इस मामले में तुरंत ही हमारे आईजी साहब ने टीमों का गठन किया, 4 टीमों का गठन किया और इस 4 टीमों का प्रमुख नियुक्त किया माननीय मंडल सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे को, और इसके जाँच अधिकारी निरीक्षक एचआर यादव नैनपुर साहब को बनाया गया। इन टीमों ने प्राप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिलने के छठवें दिन मामले को सुलझा लिया और इस्पात इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉइल्स लिमिटेड रायपुर में छापा मारकर हमारा माल बरामद कर लिया, जो बरामद माल लगभग 500 टन है और कुछ रेल पाइते जब्त हुई हैं और रेल पातों को गलाकर बनाए गए बिलेट्स भी हमने जब्त किए हैं। इनकी सर बाजार मूल्य क्या कीमत है? इनकी बाजार मूल्य अभी तक हमको कोई ऑथोराइज्ड डाटा नहीं मिला है कि रेल कितने में खरीदती है उसको, हम इसका असेसमेंट कर रहे हैं, लेकिन अनुमानतः 3 करोड़ से ऊपर की ये संपत्ति है। सर, इसमें कौन लोग लिप्त हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, विनोद मराठा का बैकग्राउंड तो बहुत पुराना है, वो एक ट्रांसपोर्टर है और वो पहले भी ऐसे रेल पातों को जगह जगह से उठाता रहा है, उसका बैकग्राउंड पुराना है। उसके साथ अभी तक हमने 14 गिरफ्तारियां की हैं और भी गिरफ्तारियां होनी हैं। सर, इनको अभी ये कहाँ पे हैं और इनको कहाँ पे पेश करेंगे, कौन से जुडिशियली में? हम इनको रेलवे न्यायालय रायपुर से लेके आए, चूंकि जुडिशियल क्षेत्र हमारा रेलवे न्यायालय जबलपुर पड़ता है, तो जबलपुर लेके आए हैं। या अभी पुलिस कस्टडी में 13 आरोपी रखे गए हैं, 1 आरोपी को जेल भेज दिया गया है, जो मैनेजर था इस्पात इंडिया कंपनी लिमिटेड। हमने 1 हफ्ते के अंदर में कर लिया है और इसमें से 1 आदमी को सिलतारा में जो इस्पात इंडिया कंपनी है उसके सामने से गिरफ्तार किया, एक उसके इस्पात इंडिया को मैनेजर को गिरफ्तारी कर ली गई। ये 28 और 29 की रात में दो गिरफ्तारियां होंगी। 30 तारीख को इसका जो मुख्य सरगना है विनोद कुमार मराठा और चौहान उर्फ विनोद मराठा, उसको 30 तारीख को राजनांदगांव से गिरफ्तार कर लिया गया और 31 तारीख को उनके 11 मजदूर जो पूरी घटनाक्रम में उन्होंने काम किया था, जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं जी, और उनको 31 तारीख को 11 को गिरफ्तार कर लिया।